अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर में आज के वक्त काफी पसंद किए जाने वाला ट्रैवल्स है, जिसके जरिए हर हफ्ते यानी महीने में 4 से 5 ग्रुप उमरा के लिए रवाना हो रहे हैं। डीलक्स, सेमी डीलक्स, हर तरह के पैकेज इनके यहाँ अवेलेबल हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। इनके सर्विसेज की अगर हम बात करें तो होटल्स काफी करीब होते हैं। हैदराबादी फूड और 4 उमरा फ्री करवाने के अलावा लोकल ज़ियारतें ज्यादा से ज्यादा कराई जाती हैं, और इनके जरिए उमरा कर चुके लोगों ने अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं, जिनमें खासकर अगस्त महीने में मोहम्मद जावेद मौलाना की निगरानी में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान उमरा की शहादत हासिल कर खुशी का इजहार किए हैं। नईम खान के अलावा इस ग्रुप में सैयद इरफान, मोहम्मद मुकीम सगरी, मोहम्मद मजर और दीगर कई लोग मौजूद थे। तमाम लोगों ने उमरा पैकेज में दी गई सर्विसेज को देख खुशी का इजहार करते हुए अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं। अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से अक्टूबर महीने में 3 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को डीलक्स उमरा पैकेज और 9 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को सेमी डीलक्स उमरा पैकेज यानी कुल 4 उमरा पैकेज अक्टूबर महीने में तैयार किए गए हैं। अगर आप भी उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं और एक बेहतर ट्रैवल्स की तलाश में हैं तो आप अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप गुलबर्गा दरगाह रोड इनामदार पेट्रोल पंप के अपोजिट जागीदार कॉम्प्लेक्स में मौजूद अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मोहम्मद जावेद जिसके ओनर हैं, जिन्होंने एक ग्रुप लेकर गुलबर्गा से मक्का शरीफ को जो है ना लेकर उमरा के लिए, जिसमें तमाम ग्रुप में 30 से 40 लोग शामिल थे। बस एक उमरा की नीयत से हम एक पूरा इत्तेफाक रखते हुए मोहम्मद जावेद साहब से उमरा रवानगी की जो है ना नियत करके निकले हैं। मैं इसके ऊपर पूरा जो एतमाद रख कर निकले, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से लेकर पूरा मक्का शरीफ को आने तक उन्होंने तमाम जो जितने भी उमरा के लिए रवाना हुए हैं उन लोगों के लिए ना बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जिससे हम जो मुतमईन होकर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरा खड़े उतरे। उन्होंने जो हैदराबाद से लेकर हमको फर्स्ट उमरा कराने तक पूरा साथ रहे, और एक उमरा होने के बाद फिर एक दिन छोड़कर फिर दूसरे दिन एक उमरा, फिर एक दिन छोड़कर फिर एक दिन एक फिर एक उमरा, ऐसे 4 उमरा जो है ना वहाँ पे तमाम ग्रुप को कराए हैं। इसमें 4 उमरों के साथ साथ मैं समझता हूँ जितने ज़ियारत अलमिज़बा टूर्स ट्रैवल्स की जानिब से हमने किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन में नॉलेज के साथ साथ दीन का नॉलेज जितना हमको मालूम आज तक हमने सिर्फ हदीस और कुरान में जो है पढ़ा था, जिस जो वाक़ियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे कई जो है ना सहाबियों के साथ जो वाक़े हुए हैं, जहाँ जिन जिन मुकामात पे हुए हैं, उन मुकामात को जो है ना तमाम जगह अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की टीम ने लेकर जाकर ज़ियारत की और मुकम्मल तौर पर हमको वहाँ का जो है ना पूरा हर चीज़ से जो है ना हमको वाकिफ कराया। जैसे कि चंद मुकामात के नाम हैं जो मैं याद रखा हूँ, उसी को जो है ना बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गारे सूर, अरफात का मैदान, मस्जिद निमरा, जबल रहमत और मुजदलिफा का मैदान, मीना का मैदान, जबल नूर, गारे हीरा जहाँ पर पहली आयत नाजिल हुई थी, चुराना मस्जिद उमरा की वहां से फर्स्ट जो है ना सेकेंड जो है ना रवानगी। तो ऐसे मुकामात के जो है ना मक्का में हमको जो है ना 7 दिन रखकर तमाम ज़ियारतों के साथ मैं समझता हूँ एक 20 से 25-30 जो है ना मुकामात हमको जो है ना वहाँ की जो ज़ियारत कराए और मक्का शरीफ में तमाम ग्रुप को जो साथ देकर आए। यहाँ पे जो टीम जो रखे हैं वो टीम का मैं जो है ना बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने हमको शाना बशाना हमारे साथ कदम पे कदम जो है ना हमको हर चीज़ से वाकिफ कराया, और हम खाने पीने के मामलात में तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गुलबर्गे के जो है ना जो खाने हैं जैसा कि हैदराबाद की बिरयानी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है ना हमको फ्रूट से लेकर अचार से लेकर हर तमाम जो है ना जायकों का जो है ना खाना वहाँ पे मिला है, जिसमें हमको कोई कमी पेशी महसूस नहीं हुई। इसमें जावेद मियां का जो रोल है, उनकी जो टीम जो पूरा काम कर रही है ग्रुप को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है ना शुक्र अदा करता हूँ कि
आने के बाद हमको कोई ऐसा तकलीफ का एहसास नहीं। फिर आज जो हम, और होटल का भी जहां तक मक्का शरीफ का सोचता हूँ, बिल्कुल खरीद था। मैं मेरे वालिदा के साथ यहाँ पे आया, ये फिक्र के साथ था कि मेरे वालिदा पूरे चार उमरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हाँ यहाँ पे फैसिलिटीज पूरी देंगे या नहीं देंगे। बस एक भरोसे पे जो है ना हम निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा फैसिलिटीज दिया। हमारे वालिदा 75 साल की उम्र रहने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह चार उमरा जो है ना करे हैं, और साथ ही साथ 10 से 11 जो है तवाफ किए हैं, तमाम ज्यारतों में शामिल रहे। मैं मुतमईन हूँ अल-मिसबाह टूर्स एंड ट्रेवल्स के, जो पूरे फैसिलिटीज का जो है ना लोगों का जहन में रखते हुए जो दिए हैं, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। मदीना शरीफ में यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि होटल बिल्कुल सामने 320 नंबर गेट पे, सामने ही जो है ना गेट है, गेट के सामने ही जो है ना होटल है भाई का तैयबा बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी जो है ना होटल में भी और यहाँ के भी खाने सेम मक्का में जो दिए हैं उससे अच्छे, और यहाँ पे जो है ना खाने का मैं समझता हूँ 40 से 45 लोग जो आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग पूरे मुतमईन से। और भी लोग और भी ग्रुप होंगे चला रहे होंगे, लेकिन भाई तो जो है ना मेरा जो पहला जो तजुर्बा था, मेरा जो पहला जो एक्सपीरियंस था यहाँ आने के बाद देखने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ख्वाहिश हो रही है कि जो है ना फिर दोबारा अल-मिसबाह ग्रुप की तरफ से वो फिर आना और लोगों को मशवरा देना कि अल-मिसबाह टूर्स एंड ट्रेवल्स के ग्रुप से जावेद मैं मोहम्मद जावेद साहब से जो है ना आप रब्ता करके आप मुतमईन और बेफिक्र रहकर आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जावेद साहब, मिसबाही साहब जो अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं 19 साल के तजुर्बे के साथ, और उनकी जो मकबूलियत है और उनका जो तजुर्बा है उसका हमको जो एक्सपीरियंस और जो उनका साथ मिला उससे हम तमाम ग्रुप के लोग बहुत खुश हैं, और हमारे को बहुत अच्छे सहूलियात मिले। हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर हमको जिद्दा एयरपोर्ट पे जो उन्होंने रिसीव करे, और वहां से लेकर जाकर जो उमरे करे साथ में ग्रुप के साथ, उनकी तरबियत के साथ, उनकी रहनुमाई के साथ, हमारे को चार उमरे कराए जो हमारे को मीरखात से लेकर गए और जुर्राना लेकर गए और सुलह उदैबिया, ताइफ, चारों उमरे ग्रुप के साथ किए गए और उनकी रहनुमाई साथ में रही और हर चीज में उनका साथ रहा। हम उससे खुश हैं, और यही हमारा फीडबैक है आपके लिए कि हम शहर गुलबर्गा को ये बात बताना चाहते हैं कि मोहम्मद जावेद साहब का जो तजुर्बा है और जो शहर में जो मकबूलियत है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जो हमारा साथ दिए और हमारे को इतनी अच्छी सर्विस दिए, खिदमत अंजाम दिए, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। मदीना शरीफ में मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है, जहां जाकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने से एक मकबूल उम्रा का जो है ना सवाब मिलता है। यहाँ पे हमको मस्जिद कुबा की ज्यारत दी गई, यहाँ पे ले जाकर हम नमाज के जो नफिल नमाज पढ़ाई गई, मैदान अहद जहाँ पर जंगे अहद हुई थी, मस्जिद खिबलतन 2 खिबलों वाली मस्जिद वहां की निजारत की, वहां पे भी नफिल अदा करे। सबा मस्जिद जहां पर जंगे खंदक हुई थी, ऐसे तमाम जो ना यहाँ पे और भी है, मैं बता नहीं सकता, बस मैं इतना याद रखा हूँ। और भी ऐसे कई ज्यारतें हैं जो यहाँ पे हमको करे हैं। मैं अल-मिसबाह टूर्स एंड ट्रेवल्स से हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो खिदमात कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसका अजर दे। आप जो है ना आप अपने काम के साथ, अपने तिजारत के साथ साथ लोगों में उमरा लाकर जो यहाँ के मुकामात का, जो ऐसे ऐसे मुकामात हैं, ऐसे ऐसे जो है ना ज्यारतें कर रहे हैं, आने के बाद हमारी पूरी रूह को खुशी मिली है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ जाहिर साहब से कि आप ऐसे काम करते जाए और लोगों को जो फैसिलिटीज हमको दिए हैं, हमारे ग्रुप के साथ जो दिए हैं, यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमेशा
हर आने वाले ग्रुप के साथ ऐसे ही जो है ना सर्विस दे, ताकि आपको जो है ना काम के साथ साथ अल्लाह ताला जो है ना आपको उसका अजर भी देंगे, और आपकी पूरी टीम, आपकी टीम से मैं पूरा मुतमईन और खुश हूँ। मैं ही नहीं, मेरे साथ आने वाले पूरे जितने आप ग्रुप लेकर आए हैं वो ग्रुप वाले आपसे पूरा मुतमईन और खुश है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद जावेद साहब को जो खिदमात पेश कर रहे हैं, तो खिदमात कर रहे हैं लोगों को ला कर जो है ना उनको पूरा पूरा उनकी जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिससे लोगों में जो है ना खुशी हो रही है कि दोबारा हम आए तो फिर अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के ग्रुप से ही आए। ये उम्मीद से जो है ना आप काम करिए कि जो है ना इंशाल्लाह लोग भी जो है ना आपसे खुश भी होंगे, मुतमईन भी होंगे, फिर इंशाल्लाह आने वाले दिन में जो है ना लोग और आपसे जुड़ेंगे भी। बस मैं इतना कहते हुए बस अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम।